और हम जा रहे हैं वियतनाम। Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need. तो वियतनाम के ट्रिप की कहानी शुरू होती है 6 मई के सनराइज से और रात को 10:50 की वियतजेट की फ्लाइट ली। गाइस तो पहुंच गए वियतनाम, सबके सब जैसे को पीछे कर रहे हैं। लंबा वॉक था, यहाँ पर शायद वीजा चेक कर रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई। सुबह के 5 बज रहे हैं एंड हमें ड्राइवर मिल गया ग्रैब से। सब कैसे एडजस्ट हो चुके हो ना भाई पीछे? किस तरह से एडजस्ट हो? Get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked, her body's a creation. The जो बुकिंग हमने एक दिन पहले के लिए करवाई थी उसके लिए चेक इन अभी कर रहे हैं अगले दिन, क्योंकि हमको यार सुबह तो फिर रूम मिलता नहीं, इसलिए हमने एक दिन एक्स्ट्रा बुकिंग करवा ली। तो यहाँ पर एक यार काउंटर बना हुआ है एंड ये हेल्प करते हैं हमारे। हेलो, हाँ तो बॉस, ये यार 63 USD ये चार्ज कर रहे हैं निन बिन का, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना एंड टिकट्स, सब कुछ एवरीथिंग। शाम को आएंगे, सुबह जाएंगे एंड बच्चे का इन्होंने आधा चार्ज किया, 31 USD कर रहे हैं एंड देखते हैं बाहर का प्राइस कैसा होता है। ये तो 5-star होटल पर जो डेस्क लगा हुआ है उसका प्राइस। तो भाई हम निकल चुके हैं यार, निन बिन जा रहे हैं सबके साथ, पहला दिन है हमारा। Are you guys excited? Yeah! हाँ तो ड्राइवर बाहर से ले लिया हमने टिकट, हम वहाँ जाकर लेंगे, काफी ज्यादा सस्ता पड़ा है हमको ये डील, तो यही करना आप लोग भी। मस्त एक कॉफी भी मिल रही है, ट्राई करने वाला हूँ मैं। टेस्टी है, काफी ज्यादा क्रीमी है, पता भी नहीं लग रहा है, एक का कोई खास स्वाद नहीं आ रहा, पर हाँ काफी मस्त है यार। अपन ये क्या नाम से टिकट का बुक करें? नहीं पर तो करें, मैं कह रहा हूँ गजब बेइज्जती है। मैं सोच रहा हूँ और करें ये वाला काम। अरे हो वीडियो ले रहा हूँ। यहाँ के लोकल सैलानी हैं, लड़ाई करता है। मम्मी कुछ खाने का सीन है आपका? मुल्ली थेपला एक कॉफी तो यहाँ का फेमस है। तो आप देख सकते हैं जो एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, अंडा भी नहीं खाते उन लोगों की, मतलब ट्रस्ट नहीं है कि भाई क्या डाल देंगे। बड़ी परेशानी भाई। तो वक्त आ गया कि मैं टिकट ले लूँ, टिकट विंडो पे जाके कोशिश करता हूँ। वैसे सब लोग भाग भाग के वापस आ रहे हैं, बहुत देर तक तो खड़े हुए थे, पता नहीं क्या सीन है, कहीं मुझे वापस ना मंगा दें। 2,50,000 पर पर्सन। 870 श्रुति, मेरे को लगता है अपने को थोड़ा हैट वगैरह कुछ ले लेना चाहिए था। बोनसाई के बारे में मम्मी बताएंगी, मम्मी बताओ क्या है। These are the big trees. They are agriculture work. It is done in such a way that the plant does not can take much height. Mm-hmm. Tremendous much. अच्छा। Okay. PUN,
कहाँ जा रहे हो? और भी तो बताओ। ओके, रूट वन, रूट टू, रूट थ्री, कौन सा चुना जाए? 9 caves, 4 caves, 3 caves? ओके, रूट वन मेरे को ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है। 9 caves, 3 temples हैं। ये बार मैं समझता हूँ, फिर समझाता हूँ, एक सेकंड। मैं समझ में नहीं आ रहा, तो हम यार इनसे पूछ रहे हैं कि कौन सा बेटर रहेगा। रूट वन, रूट टू, रूट थ्री। यार उसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो यहाँ पर यार इसीलिए इंग्लिश कुछ काम नहीं आती। गूगल ट्रांसलेटर बहुत जरूरी है, पर यार उसको बार बार खोल के बार बार यार इनको समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्ट्रगल तो है। ये अच्छा है, ये मैं सही में सजेस्ट करूंगा कि यार ये करना चाहिए। पर हाँ, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर किसी को ना तो इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, वियतनामीज़ हमको नहीं आती है। ट्रांसलेटर यूज़ करना उतना ज़्यादा ईजी तो नहीं है यार इन लोगों के साथ भी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। मतलब इशारों में है ना, कोई अगर आपकी हेल्प कर दे यार इधर चले जाओ उधर चले जाओ, तो काम बात बन जाएगी। पर यहाँ पर पहुँचने के बाद में जो मिलता है बॉस, वो बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा। ये हमारी एक दुकान दूसरी बोट भी चल रही है। आए ओ भाई, केव आ गई, गुफा तुम्हारे जस्ट पीछे। श्रुति, श्रुति मेरे को शूट कर रही है, मैं श्रुति को शूट कर रहा हूँ। अरे इसमें लिखा है 60 meters। इसमें हम घुसेंगे और शायद कहीं दूसरी तरफ निकलेंगे, और ये पानी साफ है वैसे। अच्छा है, ये क्या लुक है बॉस, ऐसा लग रहा है किसी और दुनिया में आ गए, ऐसा लग रहा है कहीं और कुछ और ही। सर वो ऑसम, क्योंकि ये पहाड़ों में पूरा गिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं लग रही है, पूरा सन एक्सपोजर नहीं है। हालांकि गर्मी बहुत है, बस लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि आप मैनेज कर सकते हैं। टेंपल, वी विल नॉट गो देयर, इसका नाम है 250 meters लंबी, और इसमें तो लाइट भी जला रखी है, नाइस। वाओ, ये केव पूरा अंधेरा हो चुका है, मोबाइल में आपको अच्छा सा देख रहा होगा वैसे, और अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है। हल्की हल्की वहाँ लाइट जला रखी है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, बट हाँ कैमरे में आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा। बहुत मस्त व्यू है, बहुत मस्त व्यू है, बहुत मस्त व्यू है, अव्वल दर्जे का, आला। यार पानी इतना अच्छा क्यों है? पानी तो अच्छा है, कितना सॉफ्ट है। अरे बात है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, मन कर रहा है पूछो। कैन यू जंप इनटू दिस वाटर? हां, जंप, स्विमिंग, स्विमिंग, नो। अबे सर, यहाँ मैं पिघल गया। यहाँ ये निनबिन का जो रूट थ्री है, इतना ज़्यादा औसम है। बीच में पगोड़ा, पगोड़ा बोलते हैं टेंपल को, एंड चारों तरफ यार पहाड़, क्या ग्रीन पानी है, टर्कोइश ग्रीन, औसम औसम व्यू है। ये पूरा नज़ारा यार मैं कैद करके लेके जाना चाहता हूँ पूरे ज़िंदगी के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, कि यार मैं कभी ना भूलूँ इस खूबसूरती को जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। यहाँ पे केव में नीचे मुँह करना है, औसम जगह है। ये वो बहुत आ रहा है, अरे तो बहुत ही आ रहा है यार, ये तो एकदम ही है।
क्लिक करके एकदम किसी के सर पे लग, क्या मस्त है ये तो, एक्सपीरियंस ही गजब का है, किसी के सर पे पड़ जाए। मोर लाइट रिक्वायर्ड, फ्लैश में है। गुफाओं के अंदर से देखो पानी में जा रहे हैं। ओ भाई ये क्या है, इतना खतरनाक दिखाई नहीं मुझे। ये हाँ कुछ तो गिर रहा है ऊपर से, टपक टपक टपक। दक्ष ध्यान रखना सर का, एकदम डिफरेंट गुफा है ये तो, इट्स डिफरेंट। अब देखना क्या गुफा है यार, ये देखना ये कैसा है, कितना खतरनाक है पहाड़ के नीचे। पहाड़ जी का मन हो जाएगा बैठने का। ये देखो ये बच के दक्ष, अरे ये देखो हाथ लगा रहा है इसके। देखिए नीचे श्रुति ध्यान से पर तुम देखती भी रहो ठीक है ना। नहीं ये मत करो, बुरी मोड वो डलती है। क्या बैट्स हैं क्या? हाँ तो बॉस ये थी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट गुफा, बहुत लंबी, बहुत नीची, रिस्की, डरावनी, सब मिल गया मुझे एक ही गुफा में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे गुफा। और अब उजाला दिख रहा है, गुफा का अंत नज़दीक। अबे तू डरा दे। पहुंच गए हम गुफा के अंत में। यहाँ पे किंग कॉन्ग की शूटिंग हो रही है। हाँ मत, ये लो तुम ले लो। नो बाय 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 ये पहाड़ देखो कैसे हैं, यहाँ पे किंग कॉन्ग की शूटिंग हुई है। ये मेरा बेटा पहले चप्पू चला रहा था, अब हाथ से चप्पू चला रहा है। पीछे आंटी चप्पू चला रही है। बहुत सुंदर जगह है ये, वियतनाम आओ तो यहाँ पे जरूर आना। जरूर आओ, राइट। ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। नन्ना बिन्ना क्या कह रही हो, इसकी ले लो फोटो। वाओ क्या मंदिर है, भजन कीर्तन चल रहा है। हाँ तो भाई कम से कम 3-4 गुफाएं तो हम क्रॉस कर गए हैं, और ख़ास खबर यह है कि वियतनाम में सबसे ज़्यादा गुफाएं पाई जाती हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गुफाएं केवल और केवल वियतनाम में पाई जाती हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी गुफा भी वियतनाम में ही है। अरे भाई ये क्या कर रही है, चेक का कर रही हो तुम तो? श्रुति क्या हो गया? ये लाउड है क्या? तो बॉस यही खास बात है वियतनाम की, मौसम काफी ज्यादा औसम हो गया है अचानक से। श्रुति दक्ष ये दोनों तो एंजॉय करने लग गए, गाने वाने चला दिए, मस्ती कर रहे हैं, काफी मजा। कौन सा गाना है? आजा गुफाओं में। सही। वो
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ना तो हम बोल के समझा सकते हैं ना हम दिखा सकते हैं, वो सिर्फ फील होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोड, यार ये जो ब्यूटी जो मुझे दिख रही है इस वक्त, ये हमारी आंटी जी, सलाम करता हूँ भाई साहब इनके स्टेमिना को, 4 घंटे तक लगातार चलाया है इन्होंने चप्पू। हाथ में कौन सा जानवर है, ये जानवर को हाथ में लेके घूम रहा है, क्या ले रहा है पता नहीं हाथ में, ये जानवर नहीं है, नुकीली घास है। इस जानवर इसको खाने के लिए जानवर तो आ सकता है, ये देखो क्या उठा लिया इसने, नुकीली घास बोल रहा है इसको। बच्चों का अलग ही यार फन करने का अलग ही तरीका होता है, कुछ भी उड़ा लेते हैं कुछ भी करते हैं। क्या नज़ारा है बॉस, एक साथ इतनी सारी नाव और मौसम भी है, चप्पा चप्पा एकदम गजब का है, देखने लायक है। ये बत्तख अलग ही कन्फ्यूज दिख रही है, इसको पता नहीं कहाँ जाना है, कोई आइडिया नहीं इसको कहाँ जाना, डुबकी भी नहीं मार रही। तो यार यहाँ हमारी ऑसम बोट राइड जो मतलब यार याद रहेगी ज़िंदगी भर वो ख़त्म होती है, पर जहाँ पर हमारी बोट रुकी वहाँ पर यार यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ हैं, तो हम लोग क्या है अपने डिसाइड किया है इसको जो प्रसाद हमको मिला था रास्ते में मिला था एक बार एक मंदिर पे वो हम खिलाएंगे, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो फिर यार वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हनोई में रात में हमने क्या किया उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। थैंक यू।